हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में 2024 का जो पेपर हुआ है सीसीएस का पॉलिटिकल साइंस का एफपीएससी के थ्रू, उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। पेपर की बात करें तो इसमें 75% प्लस एमसीक्यू जो है वो testpoint.pe की वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जर्मनी हैज अ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉन एज। तो जर्मनी की जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट की, उसको बंडेस्टैग कहा जाता है। बंडेस्टैग इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान की जो लोअर हाउस है उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, और पाकिस्तान का जो अपर हाउस है उसे सेनेट कहा जाता है। लेकिन जर्मनी जो कि यूरोप का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसके लोअर हाउस को बंडेस्टैग कहा जाता है। इसके साथ साथ जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन, और इसका जो पार्लियामेंट है वो है बंडेस्टैग। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय। सो इसका करेक्ट आंसर प्रेसिडेंसी है। और फ्रेंच जो के जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री है यूरोप का, इसका कैपिटल जो है वो पेरिस है। इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको कौन गवर्न करता है, इसके जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये किसके पास है। सो ये प्रेसिडेंट के पास है, जो के फ्रांस का सदर होता है। और करंटली जो फ्रांस के सदर हैं, जब ये वीडियो बनाई जा रही है, तो ये साहब हैं, इनका नाम है एमिनुअल मैक्रोन। एमिनुअल मैक्रोन इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का जो है वो पार्ट नहीं है। सो आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। जर्मनी इज क्लासिफाइड एज, जर्मनी इज क्लासिफाइड ऑफ फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जिसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो कंप्लीट अथॉरिटी है वो न प्राइम मिनिस्टर के पास है ना ही प्रेसिडेंट के पास है, बल्कि जर्मनी में जो कंप्लीट पावर है वो चांसलर के पास होता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि जर्मनी के मौजूदा चांसलर कौन है, हु इज द करंट चेयर, हु इज द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पास्ट में तो एंजेला मार्कल हुआ करती थी जर्मनी की चांसलर, अब करंटली कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन द यूनाइटेड किंगडम द मोनार्क इज क्लासिफाइड एज बींग। सो मोनार्क यानी कि बादशाह होता है बर्तानिया में, उसे हेड ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट का जो हैड सरबरा समझा जाता है। सो द हेड ऑफ स्टेट इसका करेक्ट आंसर है। मेंबर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो इन जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 109 कंट्रीज हैं। देयर आर 109 मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB भी कहा जाता है। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो testpoint.pe की वेबसाइट विजिट करके आप देख सकते हैं। इस नंबर पे जो है आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है testpoint.pe के, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। वेबसाइट को जरूर विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।